ये एक सवाल हरिपुर से पूछा गया है कि क्या ये बात वाकई सच है कि जब आदमी सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकलकर आसमानों के गिर्द चक्कर लगाती है। तो जी ये बात कुछ लोगों में वाकई बड़ी मशहूर है कि जब आदमी सो जाता है उस पर नींद तारी हो जाती है तो नींद के आलम में आदमी की रूह उसके जिस्म से निकल जाती है और कायनात में इधर उधर फिरती है, और जब आदमी जागता है तो उसकी रूह भी जिस्म में लौट आती है। लेकिन ये बात कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ना तो कुरान में और ना ही हदीस में ऐसी कोई चीज बयान हुई है, और ये बात अकली तौर पर भी गलत है। अकल भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर सोने की हालत में आदमी की रूह उसके जिस्म से निकल जाए तो फिर तो इंसान बेजान हो जाएगा ना, और खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, सांस वगैरह का सिलसिला, ये सब बंद हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, आदमी सोया हुआ है, दिल की धड़कन चल रही है, उसकी नब्ज चल रही है, और दौराने खून जिस्म में जो है रगों में दौड़ फिर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बातें लोगों की वैसे मशहूर है, कुरान और हदीस में इनका कोई सबूत नहीं मिलता।